हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीज हुए नेचुरल यूरेनियम की रेडियो एक्टिव लेवल की प्योरिटी है 90% से भी ज्यादा। चाइनीज वायरस को सेकंड्स के अंदर डिटेक्ट करने के लिए भारत में विकसित हुआ एक खास तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। भारत के पहले स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल के जल्द ही किए जाएंगे यूजर ट्रायल्स। इंडियन आर्मी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम चाइनीज वायरस के चलते पोस्टपोन, और नॉर्थ ईस्ट से इंडियन आर्मी के दो फील्ड हॉस्पिटल्स पटना के लिए मोबिलाइज। DRDO और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने एक खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को क्रिएट किया है, जो कि चेस्ट के एक्सरे से ही चाइनीज वायरस यानी कि इस COVID-19 को डिटेक्ट करने में मदद करेगा। और इस एल्गोरिथम को क्रिएट करने वाले डेवलपर्स का कहना है कि इसकी एक्यूरेसी रेट 96.73% है, और इस वजह से सस्पेक्टेड पेशेंट्स में चाइनीज वायरस को तेजी से डिटेक्ट करके उसका उपचार करने में ये काफी मददगार साबित होगा। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस चाइनीज वायरस के लिए फिलहाल हमारे पास लिमिटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज है, और जो टेस्ट करने का तरीका है उससे भी रिजल्ट्स तुरंत ही नहीं आते हैं। और इसी वजह से इसको बनाने वाले डेवलपर्स का कहना है कि हमें एक ऐसे AI टूल को डेवलप करने की जरूरत थी जो तेजी से एक्सरेज का इस्तेमाल करके इस वायरस का एनालिसिस कर सके। तो बस इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये टूल डेवलप किया गया है, जो कि सेकंड्स के अंदर इस चाइनीज वायरस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने में सक्षम है। और इसको डेवलप करने वाले टीम का ये भी कहना है कि एक्सरेज के इस्तेमाल करके इस तरीके से वायरस को डिटेक्ट करना एक बेहद ही फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और एक एफिशिएंट तरीका है, और एक खास करके देश के छोटे टाउन में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। और इस तरह के डेवलपमेंट को देखकर एक बार फिर से बात साबित होती है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कल जो महाराष्ट्र ATS ने 7 किलोग्राम तक के नेचुरल यूरेनियम को सीज किया था, जिसकी कीमत करीब 21.30 करोड़ रुपए थी, तो अब इस मामले की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन NIA ने महाराष्ट्र ATS से मांगी है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी मालूम पड़ा है कि जो यूरेनियम सीज किया गया है उसमें जो हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्योरिटी है वो 90% से भी ज्यादा है, और ATS इस यूरेनियम के सोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इस बात का पता लगाया जा रहा है किस लेवल तक की प्योरिटी वाला यूरेनियम आखिर आया कहां से। और चूंकि ये एक बेहद ही संवेदनशील मामला है, तो इसलिए NIA ने भी इस मामले की एक डिटेल रिपोर्ट ATS से मांगी है। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन NIA द्वारा भी स्टार्ट की जाएगी या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो यूरेनियम है वो केवल न्यूक्लियर वेपन्स को ही बनाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि यूरेनियम और भी कई चीजों में इस्तेमाल होता है, जिसमें मेडिकल पर्पस भी शामिल है। लेकिन जो मेडिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो अधिकतर डिप्लेटेड यूरेनियम होता है, जो कि नेचुरल यूरेनियम की तुलना में 40% कम रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन इस मामले में जो यूरेनियम सीज किया गया है वो नेचुरल है, यानी कि उसका रेडियो एक्टिव लेवल काफी ज्यादा है, और इसका इस्तेमाल गलत कामों में भी हो सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि बुधवार को नेपाल के जुमला डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअल तरीके से एक नए स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और जो इस स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है इसको बनाने के लिए भारत की तरफ से नेपाल को करीब 26.39 मिलियन नेपाली रुपीस की फाइनेंशियल हेल्प की गई है। आने वाले कुछ महीनों में DRDO और इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसो द्वारा बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल के यूजर ट्रायल्स के लिए करीब 25 प्री प्रोडक्शन मॉडल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। और जैसे कि DRDO की तरफ से बताया गया था कि जो ये भारत के स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल है, ये 9x19mm के कार्ट्रिज के साथ आती है और 600 राउंड्स पर मिनट के रेट से 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। और इस मशीन पिस्टल की जो यूनिट कॉस्ट है वो 40,000 से 50,000 के बीच में ही रहने वाली है, जो कि इसे बेहद ही अफोर्डेबल लेकिन एक वर्ल्ड क्लास मशीन पिस्टल की कैटेगरी में रखता है। और DRDO के मुताबिक ये ASMI मशीन पिस्टल इसराइल की बेहद ही फेमस उजी सीरीज वाली गन्स की क्लास में आती है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि मशीन पिस्टल एक ऐसा फायर आर्म होता है जो कि पिस्टल एम्युनिशंस को फायर करता है, लेकिन ऑटोमेटिक या फिर बस्ट मोड में। और आजकल की जो मॉडर्न मशीन पिस्टल्स हैं वो तो सेमी ऑटोमेटिक मोड के साथ भी आती हैं, और जैसे कि इनका नाम है मशीन पिस्टल, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो एम्युनिशन इस्तेमाल होता है यानी कि जो बुलेट इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल उसी तरह की होती है जो किसी पिस्टल या किसी अदर साइड आर्म जैसे कि रिवॉल्वर इनमें इस्तेमाल होती है। और कुछ पॉपुलर पिस्टल एम्युनिशंस में आती है 9mm, 0.45, 0.22, 0.32 इस तरह की एम्युनिशन। और भारत की जो ये स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल है ये कम कीमत पर एक बेहतरीन क्वालिटी पेश करती है, तो इसलिए इस पिस्टल के लिए एक्सपोर्ट के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और जैसे ही हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर 5,000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम एक गिव अवे कंडक्ट करेंगे, और जो हमारे ग्रुप के टॉप 5 सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स होंगे उन्हें हमारी तरफ से डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज गिफ्ट की जाएगी।
और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आप अदर मेंबर्स के साथ डिफेंस रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चाइनीज वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर और जोधपुर में 30 मई 2021 को आयोजित होने वाले इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और स्टेटमेंट के मुताबिक इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की नई डेट्स बाद में जारी की जाएंगी और सभी कैंडिडेट्स को इस बात की एडवाइस दी गई है कि नई डेट्स के लिए वे न्यूज़पेपर और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in को चेक करते रहें। और बाकी जैसे ही इस नए एग्जाम की डेट्स जारी होंगी हम अपने डिफेंस अपडेट्स के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि इंडियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट से अपने 2 फील्ड हॉस्पिटल्स को बाय एयर पटना के लिए मोबिलाइज किया है ताकि इस चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की और मदद की जा सके और इन फील्ड हॉस्पिटल्स में शामिल मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ ये सभी पटना में 500 बेडेड हॉस्पिटल्स को बनाने में यूटिलाइज किए जाएंगे और इन हॉस्पिटल्स में 100 ICU बेड्स भी होने वाले हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ की एक पर्याप्त स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए अगले 2 दिनों के अंदर बाय एयर कुछ एडिशनल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ और साथ ही ट्रेंड इन्फेंट्री, बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स भी इस जगह पर मूव किए जाएंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपना पूरा योगदान दे रही है और इसी बात पर इंडियन आर्म फोर्सेज की प्रशंसा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट करके ये लिखा कि जल, थल और नभ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज ने कोविड के खिलाफ के जंग में मजबूती प्रदान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और जबकि साउथ ब्लॉक में इंडियन आर्मी द्वारा एक कोविड मैनेजमेंट सेल भी तैयार किया गया है और इस सेल का मुख्य कार्य होगा कोविड से जुड़ी स्टाफिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चिंदी पड़ोसी का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा है और कभी भी वो पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर गिर सकता है और सबके बावजूद भी चिंदी पड़ोसियों की चिंदी हरकत बंद नहीं हो रही है। असल में अभी हुआ यह है कि चीन के सोशल मीडिया हैंडल पर एक इमेज पोस्ट की गई थी जिसमें एक साइड पे चीन का वो रॉकेट था जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और दूसरी साइड में जो इमेज थी वो भारत में शमशान घाट की थी जहाँ पे उन व्यक्तियों का अंतिम संस्कार हो रहा था जिनकी मृत्यु चाइनीज वायरस की वजह से हुई है। और इस इमेज के साथ कुछ इस तरह का कैप्शन था, चाइना लाइटनिंग ऑफ फायर वर्सेस इंडिया लाइटनिंग ऑफ फायर। और इसका क्या मतलब है ये तो आप समझ ही गए होंगे। हालांकि जब इस पोस्ट को दुनिया भर से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला तो फिर इसको उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था और अभी कुछ दिन पहले ही इनके राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी को ये कह रहे थे कि चीन इस महामारी की स्थिति में भारत के साथ खड़ा है। और अब आप देख ही सकते हैं कि चीन किस तरीके से खड़ा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो चिंदी लोग होते हैं वो जिंदगी भर चिंदी ही रहते हैं, उनकी हरकतें कभी भी नहीं सुधरती हैं। और अभी तो एग्जैक्टली किसी को पता भी नहीं है कि ये रॉकेट का मलबा आखिर गिरेगा कहाँ पे। और हाँ, ये पहली बार नहीं है जब चीन का इस तरह का कोई रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, बल्कि पहले भी चीन के रॉकेट के साथ इस तरह की हरकत हो चुकी है जब चीन के रॉकेट के मलबे ने एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री पर क्रैश लैंडिंग की थी और वहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ था। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और खास करके 1972 लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत ये जो रॉकेट ऑर्बिट पे घूम रहा है ये जहाँ भी गिरेगा और अगर वहाँ पे भारी नुकसान पहुँचता है तो चीन को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।